वेलकम टू डिवाइन एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो टॉपिक है मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, वो देखने वाले। ये डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए 8 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले हम इस चैप्टर में से मिसलेनियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो टॉपिक था उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमने देखा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक इस पे बेस जो एग्जांपल रहेंगे उसे सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज है वेलोसिटी, वेलोसिटी उसको हम वी से डिनोट करेंगे और वो होता है डीएक्स अपॉन डीटी, ठीक है। और जो एक्स होता है, एक्स होता है क्या होता है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी, मतलब टाइम टी में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा वो हम एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स। और जो वेलोसिटी है वो वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी से डिनोट करेंगे। और दूसरी चीज है देखिए कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम ए से डिनोट करते हैं और वो होता है डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, एक दो तीन, ये तीनों चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए तभी आप इसके बेस जो एग्जांपल रहेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं और हर एक प्रॉब्लम में हमें ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट द एंड ऑफ टी सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इट्स मोशन इज 5 - 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। Find its velocity at the end of 3 seconds and distance travel by it during that period if its initial velocity is 4 meter per second. देखिए हमें बताया है कि हमें acceleration दिया हुआ है 5 - 2t meter per second square, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो तीनों चीजें पढ़ी थी वो पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखा था हमने, x इज इक्वल, x क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड्स, या डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t भी लिख सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, ठीक है। दूसरी चीज है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं और होता है dx अपॉन dt। वेलोसिटी दिया हुआ है क्या हमें, नहीं, वेलोसिटी फाइंड किया हुआ है, करना है, ठीक है। और तीसरी चीज होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो हम a से डिनोट करते हैं और वो होता है dv अपॉन dt, ठीक है। अभी हम लेके देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। Acceleration of moving particle at the end of the t second from the start of its motion is 5 - 2t. जो acceleration है वो हमें दिया हुआ है 5 - 2t meter per second square, मतलब जो acceleration dv by dt से denote करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा dv by dt is equal to 5 - 2t meter per second square, ठीक है, ये हो गया। इसे हम equation number 1 देते हैं। और क्या दिया हुआ है हमें, क्या करना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं, मतलब v, हमें v फाइंड करना है कब, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, जब t की वैल्यू 3 रहेगी तब। और दूसरी चीज है एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल हम x से डिनोट करते हैं, मतलब x फाइंड करना है एट सेम t सेकंड के, 3 सेकंड के लिए, ठीक है, सेकेंड है, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। पहले देखिए हमने एक्सेलरेशन दिया हुआ था तो उसका एक्सप्रेशन लिख दिया और हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको सब मेथड पता होंगी, ठीक है, आपने 7 चैप्टर में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये डी टी है, ये इस साइड में लेके आता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वी अप इज इक्वल टू 5 - 2t, यानी ये डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए
ये जो दोनों वेरिएबल है वी लेफ्ट साइड में आ गया और टी राइट साइड में आ गया, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड से, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अभी देखिए हमने दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू 5, मैं कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी कॉमन नहीं, एक कॉन्स्टेंट है इसलिए बाजू में ले लेता हूँ, डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर लिया, अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हो जाएगा वी इज इक्वल टू 5, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी हो जाएगा टी स्क्वेयर अपॉन ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, अपॉन 2 प्लस मैं C1 दे देता हूँ क्योंकि अभी और एक एक्सप्रेशन मुझे मिलने वाला है, ठीक है, तो दोनों CC में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं C1 लिख देता हूँ यहाँ पे, V इज इक्वल टू 5T माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा टी स्क्वेयर प्लस C1, इस इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है, C1 हो गया, ठीक है। अभी देखिए हमने V के लिए इक्वेशन निकाल लिया, अभी हम जो कॉन्स्टेंट है C1 उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल कंडीशन है वो यूज करके, तो देखेंगे हम इनिशियली शुरुआत में तो टाइम हमेशा जीरो ही रहेगा, टी इज इक्वल टू 0, और जो वी की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, दी हुई है हमें शायद, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 3 seconds एंड इट्स ट्रैवल्ड बाय ड्यूरिंग इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 4 meters per second, इनिशियल कंडीशन दी हुई है वी इज इक्वल टू 4 meters per second, ठीक है, तो वी की वैल्यू 4 और टाइम तो 0 ही रहेगा स्टार्टिंग में, तो अभी हम एग्जांपल में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इज इक्वल टू 5 इंटू टी की वैल्यू 0 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस C1, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, ये जो C1 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 2, C1 के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू 5T माइनस टी स्क्वेयर प्लस C1 की जगह पे हम 4 डाल देंगे, ठीक है, 4 इक्वेशन, इसे इक्वेशन बोलेंगे 3, ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अभी V के लिए इक्वेशन हो गया, अभी हम निकालेंगे X के लिए इक्वेशन, ठीक है, V का इक्वेशन हो गया, अभी सेम प्रोसीजर x के लिए करेंगे, ठीक है, तो देखिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, ये कंडीशन यूज करेंगे हम, तो देखिए अभी V की जगह पे dx by dt लिख देता हूँ, ये बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वेयर प्लस 4, ठीक है, ये dt को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dx इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू dt। अभी ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, dx की टर्म लेफ्ट साइड में और सारी t की टर्म जो है वो राइट साइड में, ठीक है, तो इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो ये देखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वेयर बाय 2 माइनस टी स्क्वेयर का हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस 4 टी प्लस C2, यहाँ पे मैंने C1 लिया था, अभी कॉन्स्टेंट C2 लेता हूँ, ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा, ठीक है, अभी और सॉल्व नहीं कर सकते इसीलिए हम इक्वेशन नंबर दे देंगे इसे 4, ठीक है। अभी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन के बाद C1 की वैल्यू निकाली थी, तो इक्वेशन के बाद C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, इनिशियली शुरुआत में तो टाइम 0 ही रहेगा, और टी इज इक्वल टू 0 में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 टाइम पे डिस्टेंस ट्रैवल 0 ही रहेगा, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन यूज कर लिया हमने। अभी देखिए 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब बाय 3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस C2, तो C2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 4
बिकम्स इक्वेशन फोर बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 बाई टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब बाई थ्री पर फोर टी प्लस जीरो, प्लस जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है अभी आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 बाई टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब बाय थ्री प्लस फोर टी इक्वेशन, इसे अगला इक्वेशन दे देंगे 5। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो हमें पूछा था कि v निकालना है एट t इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे जो v का एक्सप्रेशन है, ठीक है तो v का एक्सप्रेशन है हमारे पास ये देखिए। तो इस इक्वेशन 3 में हम t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5 इंटू टी की जगह पे 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4। तो v एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज इक्वल टू 15 माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6, 6 प्लस 4 10। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये होगी हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना था x एट t इज इक्वल टू 3, तो x का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो है ये 5 नंबर का एक्सप्रेशन। ठीक है तो x एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड ये बन जाएगा 5 बाई टू t की जगह पे 3 स्क्वेयर माइनस 3 क्यूब बाई 3 प्लस 4 इंटू 3। एक्स हो जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू 9 माइनस 27 बाई 3 प्लस 12। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है नीचे लिख देता हूँ मैं x एट टाइम t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 25.5 मीटर। ठीक है तो देखिए हमने शुरुआत में क्या किया, x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी लिख दिया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख दिया। ठीक है तो एक्सेलरेशन दिया हुआ था तो एक्सेलरेशन लिख दिया था हमने, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन था वो लिख दिया। ठीक है फिर उसके बाद हमने वी के लिए इक्वेशन निकाला और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, और जो कॉन्स्टेंट है C1 उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है फिर बाद में एक्स के लिए हमने इक्वेशन निकाला, फिर उसका जो कॉन्स्टेंट था C2 उसके लिए हमने उसकी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया जो कंडीशन दिया हुआ था, तो वी हमें टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए निकालना था, तो जो वी का एक्सप्रेशन है उसमें हम टी की वैल्यू 3 डाल दी और हमें ये मिल गया आंसर। ठीक है और बाद में हमें एक्स निकालना था तो हमने क्या किया एक्स का जो एक्सप्रेशन था उसमें हमने टी की वैल्यू 3 डाली तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है अभी अगला एग्जांपल देखते हैं हम। इज गिवन बाय d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6 सॉरी प्लस 8 फुल स्टॉप। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स गिवन दैट v इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है तो मैंने आपको पहले बताया था जो तीनों कंडीशन जो तीनों चीजें हमें पता है वो हमें लिख लेनी। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल है तो x ए लेट x बी द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी। ठीक है वेलोसिटी वी इज इक्वल टू dx बाई डी टी और तीसरा है एक्सेलरेशन ऐसे डिनोट करते हुए होता है dv अपॉन dt। ठीक है
तो हमने लिख दिया। अभी देखिए क्या क्या दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसका एक्सप्रेशन है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर माइनस सिक्स टी प्लस एट। ठीक है, तो देखिए हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन हम ए से डिनोट करते हैं डीवी बाय डीटी, मतलब डीवी बाय डीटी और डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर ये दोनों एक ही हो गए। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस एट, इसे क्वेश्चन नंबर वन दे देते दे। ठीक है, और हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन टू सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड होता है एक्स, एक्स निकालना है हमें कब, टी इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है इतना ही निकालना है। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन दी हुई है हमें वी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बाद में देखते हो। अभी देखिए ये जो एग्जांपल है, अभी ये जो इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ मैं, ये बन जाएगा डी वी इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर माइनस सिक्स टी प्लस एट। ये जो डी टी है मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से अभी वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो अभी इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी माइनस सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस एट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जो कॉन्स्टेंट है वो मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बन जाएगा वी इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री क्यूब है माइनस सिक्स टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाय टू प्लस एट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस, इसे सी वन में दे दिया दे देता हूँ मैं। ठीक, सी वन क्यों दिया, क्योंकि मुझे और एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है जिसमें और सी आने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू थ्री जा बस। ठीक है, टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वेयर प्लस एट टी प्लस सी वन, इस इक्वेशन नंबर दो दे देता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखिए कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम एक एक्सप्रेशन के बाद में, तो सी वन की वैल्यू निकालनी है तो हमें इनिशियल कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, इनिशियली क्या है v इज इक्वल टू जीरो, सॉरी v इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू भी जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा v जीरो इज इक्वल टू जीरो क्यूब माइनस थ्री इंटू जीरो, वी की जगह पे जीरो, t की जगह पे भी जीरो कर दिया मैंने, प्लस एट इंटू जीरो प्लस c टू। ठीक है, सॉरी c वन, तो देखिए ये बन जाएगा सब जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो सी वन की वैल्यू है इक्वेशन टू में पुट कर दे तो इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन दो बन जाएगा वी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वेयर प्लस एट टी प्लस सी वन की जगह पे हम जीरो पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वेयर प्लस एट टी। ठीक है, हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन ये कंडीशन यूज कर लेंगे v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, उससे हमें x का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए v के जगह पे dx बाय dt पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वेयर प्लस एट टी। अगेन ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो मैं डी टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वेयर प्लस एट टी इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन लेने के बाद देखिए ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी प्लस एट इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी रेस टू फोर अपॉन फोर माइनस थ्री टी क्यूब अपॉन थ्री
प्लस एट टी स्क्वेयर अपॉन टू प्लस सी टू दे दिया मैंने, ठीक है, कॉन्स्टेंट को सी टू बोल दिया। अब ये बन जाएगा x इज इक्वल टू टी रेस टू फोर अपॉन फोर माइनस थ्री, थ्री कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब बच जाएगा, टू वन दा टू, टू फोर दा एट, ये बन जाएगा फोर टी स्क्वेयर प्लस सी टू, ये इक्वेशन नंबर, हम अगला इक्वेशन बन जाएगा ये थ्री, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम x का एक्सप्रेशन आ गया है तो उसके बाद में हम c2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए c2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियली क्या है, x की वैल्यू भी जीरो दी हुई है हमें, कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, और t की वैल्यू भी जीरो है इनिशियली, ठीक है। तो ये बन जाएगा x की जगह पे जीरो डाल देता हूँ मैं और t की जगह पे जीरो डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब प्लस फोर इंटू जीरो स्क्वेयर प्लस सी टू, तो ये सी टू की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सी टू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते, तो देयर फोर इक्वेशन थ्री बिकम्स, जो इक्वेशन थ्री है वो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी रेस टू फोर अपॉन फोर माइनस टी क्यूब प्लस फोर टी स्क्वेयर प्लस सी टू, मतलब प्लस जीरो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये x का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू का फाइंड करनी है t इज इक्वल टू टू, तो हम x की वैल्यू एट t इज इक्वल टू टू पुट करेंगे, तो देखिए टू रेस टू फोर अपॉन फोर माइनस टू क्यूब प्लस फोर इंटू टू स्क्वेयर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ मैं, टू रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू क्यूब प्लस सिक्स, हाँ तो ये आ जाएगा ट्वेल्व, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो आ जाएगा ट्वेल्व। यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है क्या हमें, हाँ देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे यूनिट कर लेंगे, ठीक है। अगर यूनिट नहीं दिया होगा तो यूनिट लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको मिसलेनियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से करने, क्योंकि एग्जाम में आपको ये दोनों टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, और जो क्वेश्चन है आपकी बुक में उसे और सॉल्व कीजिए, उससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो।